सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिटी वॉर के हिडन डिटेल के बारे में। हाँ, मुझे पता है काफी ज्यादा लेट है, लेकिन यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में मजा आता है। और हाँ, हो सकता है कि मैं जो आपको हिडन डिटेल्स बताऊं उनमें से कुछ आपको पहले ही पता हो, लेकिन हाँ आपको वीडियो में मजा जरूर आएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली डिटेल आती है इस सीन से, जब हेमडल बायफ्रॉस्ट के थ्रू हल्क को पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन डिटेल ये है कि हल्क को पृथ्वी पर भेजने से पहले हेमडल थोर की तरफ देखता है और दोनों कम्युनिकेट करते हैं, जैसा कि हमने बाकी की फिल्मों में देखा ही है, थोर रैग्नारोक और थोर की पहले की मूवी में। मतलब डिटेल ये है कि हेमडल ने अपनी मर्जी से नहीं भेजा हल्क को, बल्कि थोर ने उसे कम्युनिकेट के दौरान परमिशन दी थी। इसीलिए इस वाले सीन में जब हल्क सेंटम में गिरता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने रेगुलर आउटफिट में ही होते हैं, फिर कुछ सेकंड में ही उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये डिटेल पुरानी है, लेकिन उस वक्त ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में इस डिटेल पर हर किसी ने ध्यान दिया है। इस वाले सीन को देखो, इस सीन को देखने से ही पता लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ शेक कर रहा है और इस वाले सीन में तो हमें सर्जरी के निशान भी दिख रहे हैं। इस सीन में स्कॉटलैंड में वांडा और विजन दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तो वहाँ एक जगह न्यूज चल रही होती है टोनी स्टार्क की, और जो फोटो हमें न्यूज में दिखाई जाती है वो फोटो दरअसल स्पाइडरमैन होमकमिंग के रेड कार्पेट पर ली गई थी। मार्वल अच्छा यूज करता है यार ऐसी चीजों का। इस वाले सीन में ये थेनोस की औलाद विजन को जिस तरीके से और जिस वेपन से मारता है, ठीक वैसे ही लास्ट बैटल में विजन भी इसको इसी तरीके से और इसी वेपन से मारता है। इस सीन में रॉकेट जब थोर के साथ स्टॉर्म ब्रेकर लेने जा रहा होता है, तब पीटर रॉकेट से बोलता है कि तुम वहाँ बस इसीलिए जा रहे हो क्योंकि वहाँ थेनोस नहीं है। और फिर फाइनल बैटल में सिर्फ रॉकेट ही ऐसा कैरेक्टर है जो थेनोस के सामने भी नहीं आया था। इस सीन में जब आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों टाइटन ग्रह पर बात कर रहे होते हैं, तब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कोई मेंबर उन पर ग्रेनेड फेंकता है। और अगर उस सीन को हम स्लो मोशन में देखें तो ग्रेनेड के फटने से कुछ सेकंड पहले आयरन मैन और स्पाइडरमैन अपना हेलमेट खुद ब खुद ही पहन लेते हैं। मतलब कितने एडवांस है यार टोनी के सूट्स। इस सीन में थेनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल की मदद से थेनोस को पकड़ लेते हैं और अपनी काफी सारी कॉपीज भी बनाते हैं। तब थेनोस पावर स्टोन और सोल स्टोन का यूज करता है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल तोड़ने के लिए, और थेनोस की अटैक की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल भी बाहर आ जाती है कुछ समय के लिए। तो यार एमसीयू में सिर्फ टाइम स्टोन ही ऐसी चीज है जिसे कोई भी लिविंग बींग छू नहीं सकता अपने हाथों से, लेकिन मेटेलिक आर्म उसे छू सकते हैं, जैसा कि हमने एंड गेम में देखा था इस सीन में। वैसे यार एंड गेम से याद आया, मुझे एंड गेम पर भी ऐसी ही डिटेल वीडियो बनानी है। आप इस वीडियो को सपोर्ट करो, मैं एंड गेम पर भी ऐसी ही वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। इस वाले सीन में जब थेनोस और टोनी की फाइट चल रही होती है, तो टोनी थेनोस पर मिसाइल लॉन्च करता है और उन मिसाइल्स का ब्लूप्रिंट हम टोनी के हेलमेट में भी देख सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि टोनी की एआई भी कितने ज्यादा शार्प है। थोर की मूवी में जब थोर जेन की कार से टकराता है और उसके बाद वो जेन और इनके साथ में ही रहने लगता है, ठीक वैसे ही इन्फिनिटी वॉर में भी थोर गार्डियंस की शिप से टकराता है और बाद में उन्हीं के साथ रहने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार मुझे ऐसी वीडियो बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा।